जैकेट भाई देखो बिल्कुल टक इन करके, मैट इसका रैप ऑलरेडी है। गाइस गुड मॉर्निंग, आज हम जल्दी हैं, अमित भाई के पास जा रहे दोबारा, जिनके पास से लास्ट बार काम कराया था शुभम ने अपनी गाड़ी का। वो कह रहे कि उनके पास कोई फॉर्चुनर आई है रैप होने के लिए, लेट्स सी। कह रहे कुछ यूनिक कलर कर रहे हो उस पर, जाके देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर, फिर आपको अपडेट देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चुके हैं, ये ब्राइट कार्स के नाम से है और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई जयपुर से आई हुई है फॉर्चुनर। ये मेंटेनेंस के लिए आई थी, सो कस्टमर ने कहा कि इस पे पर्पल कलर का रैप कर दो। बाकी एक शॉप में एक और सरप्राइज है, मतलब वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। वो पूरे इंडिया में मतलब 6 या 7 ही गाड़ियाँ हैं जो मतलब बाहर से इम्पोर्ट होकर आई है, और मतलब उसमें जो काम हो रखा है भाई, अल्टीमेट काम हो रखा है। चलो आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मैं वो क्या चीज़ है। A few inches later, निसान पेट्रोल भाई अल्टीमेट चीज है भाई। वो इसके टायर्स देखो कितने बड़े टायर्स है इसके, एज कम्पेयर टू वहाँ पे फॉर्चुनर खड़ी हुई है अंदर, उसके टायर्स देखो कितने पतले लग रहे हो भाई। इसके देखो भाई ये मतलब हाइट देखो भाई गाड़ी की, मैं मतलब ऑलमोस्ट 6 feet हुआ और मैं यहाँ से डोर ओपन कर रहा हूँ इसका। करो ये फॉर्चुनर आई है रैप होने के लिए। इस पर भैया बता रहे ऑलरेडी PPF रखे हैं भाई, देखो ये ऑलरेडी PPF रखी है इस पर। सो मेंटेनेंस के लिए आई थी यहाँ पे जयपुर से गाड़ी, सो उन्होंने कहा कि इस पर रैप करते हैं, मतलब पर्पल थोड़ा यूनिक कलर पर्पल कलर चूज़ करा उन्होंने, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा इस पर जिस हिसाब से गाड़ी है भाई। ये इसका बम्पर खुला हुआ है देखो भाई, गाड़ी मतलब एक नंबर लगेगी रैप होने के बाद। A few inches later, रैप आ चुका है इसका फॉर्चुनर का, पर्पल कलर आ रहा है, मैट पर्पल है ये, देखते हैं लगने के बाद ये कैसी लगेगी। वैसे तो ठीक ही लग रहा है ये, बाकी गाड़ी के ऊपर देखो कैसे क्या कॉन्ट्रास्ट बैठता है इसके ऊपर। चलो भाई ये अपना रैप पहले गेट पे लगा के शुरू कर दिया है, देखो कैसे फिटिंग अच्छी लग रही है। कैसी लग रही है भैया, बढ़िया चल रही है, कैसी लगेगी? ओके अलग यूनिक हो जाएगी है, थोड़ा डिफरेंट कलर है ये भाई। ना डुक रहे तो देखो सबने देखा है एलविश की गाड़ी पे, ऑब्वियसली सब जानते हैं एलविश की गाड़ी पे है। सो ये थोड़ा सा भाई ने अपने राजस्थान से आ रखे जैसे बता रखा है वीडियो में, सो उनने कुछ डिफरेंट कलर चूज़ करा है भाई। देखो बिल्कुल टक इन करके लगा रहे एकदम अच्छे से, जो भी मतलब इसकी जो बिडिंग है रबर बिडिंग है उसके अंदर टक इन करके एकदम अच्छे से इसको फिट कर रहे हैं। बाकी ये गेट पे बहुत अच्छी लग रही है इसके, मैं रैप अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। मैंने सोचा था मैं इतना अच्छा नहीं लगेगा, पर नहीं भाई अच्छा लग रहा है। बाकी पूरी रैप होएगी गाड़ी जब पता चलेगा कि कैसा लगता है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक्स, मतलब जो भी 50% 60% जब भी रैप हो जाएगी पहले तो वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद फाइनल लुक्स दिखाएंगे गाड़ी की कि कैसी रहती है, और क्या क्या काम इस पर है अभी वो आपके लिए भी थोड़ा सरप्राइज है, वो बाद में ही पता चलेगा कि क्या काम करवाते हैं क्या नहीं करवाते इस पर। तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करो, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए। Much later. तो भाई ये रात के बज रहे हैं 10:30-11 बजने वाले, और ये अभी तक चल रहा है इस पर। अभी डिसाइड हो रहा है कि इसके डोर हैंडल्स पे कौन सा करा जाए, मैट या फिर ग्लॉस। मेरे को तो पर्सनली ग्लॉस अच्छा लग रहा है क्योंकि मैट इसका रैप ऑलरेडी है, तो ग्लॉस ब्लैक इस पर अच्छा लगेगा, जितने भी क्रोम के पार्ट्स हैं सारे ग्लॉस ब्लैक में रैप होंगे। बाकी ये कल सुबह इसको इसकी डिलीवरी देनी है 10-11 बजे, देखते हैं फिर रात में कितना काम इसमें थोड़ा सा ही बचा है बस, आगे के दोनों बम्पर्स और ये रूफ बची है और पीछे का टेल गेट बचा है, तो पूरी फिनिश हो जाएगी जब आपको वो दिखाएंगे पूरा, जो भी इसका शूट होगा फाइनल शूट फिनिश होने के बाद वो दिखाएंगे फिर आपको फिनिश में कैसी लगती है ये। मेरे को तो मतलब अब भी बहुत ही अच्छी, ज़्यादा अच्छी लग रही है ये, मतलब मैट में ना बहुत यूनिक कलर हो फॉर्चुनर पर ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं कभी रैप हो, तो ऐसे पर्पल मैट पर्पल में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है।
बाकी आपको सारे को फिनिश होने के बाद, एक बार पूरी गाड़ी तैयार होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे इसमें कि क्या क्या काम हुआ इसमें। The next morning. तो भाई फाइनली हो चुकी है तैयार, बस निकलने के लिए हम तैयार है, इसके शूट के लिए जा रहे हैं गाड़ी के। तो भाई बहुत अच्छी लग रही है, बस वो सिल्वर कलर के जो अपने अलॉयज हैं वो अगर ब्लैक हो जाते तो पूरी मैच कर जाते, और मोनोग्राम अगर क्रोम ब्लैक में हो जाता, मतलब ग्लॉसी ब्लैक में, तो और ज़्यादा अच्छी लगती। पर अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कस्टमर को थोड़ी गाड़ी जल्दी चाहिए, तो अभी तो वो कह रहे कि अभी मैं ऐसे ही लेके जाऊँ कि उन्हें राजस्थान लेके जानी है गाड़ी, शायद जयपुर जाएगी, इतना नहीं पता कहाँ से है, पर है राजस्थान नंबर, देख सकते हो राजस्थान ही जाएगी ये गाड़ी। अभी बस इसकी तैयारी हो रही है शूट पर जाने के लिए, फिर आपको शूट के थोड़े शॉट्स दिखाएंगे और पब्लिक रिएक्शन दिखाएंगे कैसा होता है। और ड्रोन शॉट चल रहे हैं यहाँ पे गाड़ी के, ये पूरी फाइनल होके भाई ऐसी लग रही है, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा आ रहा है इस पे। बाकी इसके आप शॉट्स एंजॉय करो, ये वैसे गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी लोग देखो यहाँ पे सारे कर रहे हैं अपने ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। भाई देखो ये भी मतलब डिस्कस कर रहे हैं गाड़ी के बारे में कि भाई कैसी लग रही कैसी नहीं। ये हम अभी फॉर्च्यूनर में बैठे हुए हैं, ड्रोन शॉट जिनको लेने थे उन्होंने ले लिए मैंने, और ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाकी एक लास्ट बार आपको कार दिखा देता हूँ कैसी लग रही है। ये कुछ ऐसी लग रही है ऐसा इसका, हालांकि पीछे वाली लाइट अभी लगाई नहीं है उन्होंने, अभी इंस्टॉल करेंगे वो, मुझे लेट हो रहा था सो मैंने उनसे कह दिया कि हम पहले शॉट्स ले लेते हैं, नहीं तो फिर आपको पीछे से भी दिखाता है इसका। पर भाई बहुत ही ऑसम लुक आ रही है गाड़ी की, जैसा आप सब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम लुक आ रही है गाड़ी की, ये देखो। सो आप ऐसे अगर ऐसी और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं कार रैप्स की या फिर कोई मॉडिफिकेशन होती है कार की, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।